दूसरे दिन भी आंदोलनकारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर मांग और प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलनकारियों ने यहां सीएम का पुतला भी फूंका, साथ ही इस जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां गैरसैंण के राजधानी बनाने को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी राजन मिश्रा। राजन, आपसे जानना चाहेंगे कौन है ये प्रदर्शनकारी और कैसा माहौल है वहां का? इसे संशोधित कर दूं, जो ये धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है ये गैरसैंण में चल रहा है, राजधानी को स्थायी राजधानी के निर्माण को लेकर के। आज सुबह से ही अगर बात करें तो जहां सदन में विपक्ष ने सरकार के सामने सीधे तौर पर मांग रखी कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर के नियम 310 के तहत चर्चा की जाए, वहीं सदन के बाहर जो राज्य स्थायी राजधानी को लेकर के जो प्रदर्शनकारी कल भी अपनी मांग कर रहे थे, उन्होंने आज राज्यपाल समेत खुद मुख्यमंत्री तक का पुतला फूंका है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने कल जो एक मिनी सचिवालय की बात कही है, ऐसे में स्थायी राजधानी की जो बात है गैरसैंण को लेकर के, वो जो है वो धूमिल पड़ते उससे नजर आ रही है। क्योंकि एक मिनी सचिवालय की नहीं, स्थायी राजधानी को लेकर के एक पूर्ण रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिसको लेकर के सरकार अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। भले ही भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में गैरसैंण स्थायी राजधानी को लेकर के बात कही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं शीतकालीन राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर के सरकार इस पर विचार कर रही है। तो ऐसे में राज्य की जो आम जनता है उसके मन में कहीं ना कहीं रोष है, और इस बात को राजनीतिक इस मुद्दे को भुनाने के लिए विपक्ष भी जो इस वक्त विधानसभा से इस वक्त चल रही है, इस वक्त सरकार को सदन में घेरने की कोशिश कर रहा है। जी राजन, आपसे जानना चाहेंगे ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही है ना, क्योंकि हम तस्वीरों में देख सकते हैं काफी बड़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। देखिए, एक काफी लंबा दोष इस वक्त गैरसैंण राजधानी को लेकर के है, क्योंकि बीते 18 सालों से किसी भी सरकार में इस बात को लेकर के जो अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। अब तक सभी सरकारें इसको लेकर के अपनी अपनी बातें तो रखती हुई नजर आई हैं। जब सरकारें विपक्ष में होती हैं है किसी भी पार्टी की, तो वो उसकी हिमायती बन जाती है, लेकिन सत्ता में आते ही इस बात को जो है खुल करके कोई भी सरकार हमेशा से गैरसैंण को राजधानी बनाने से हिचकती रही है। तो ऐसे में जो जनता का रोष है वो साफ तौर पर सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहा है, और जो आक्रोश है और तीखी झड़प भी इस वक्त प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हुई है। लेकिन वही जो एक वर्ष पुरानी मांग रही है, एक पर्वतीय राज्य को लेकर के जो उत्तराखंड का निर्माण किया गया, उसकी स्थायी राजधानी को लेकर के यहाँ पे रहनुमा जो है। राजन, आप बने रहिए हमारे साथ इन तमाम जानकारियों के लिए।